इधर धड़का उधर चमका, देवियों और भाइयों। माफ करना, इधर देवियां कोई नहीं है। अच्छा माफ कर दिया। हाँ। नाले बुलबुल तो सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। अच्छा? खन्ना थिएटर आज मिस बिजली का नाच और गाना पेश करता है। मिस बिजली क्या है, खन्ना थिएटर के आसमान का एक सितारा, हुस्न का चांद, अदाकारी का सूरज। देखा जो हुस्न यार, तबीयत मचल गई, अरे आंखों का था कसूर छुरी। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है भाई जान, जब से मिस बिजली का गाना और नाच देखा है, दिन का चैन रात की नींद उड़ गई। भगवान आपका भी यही हाल करे, जब से मिस बिजली की सूरत देखी है, भूख और प्यास जाती रही। भगवान आपका भी यही हाल करे, जब से उसके नाजुक पांव की थ्रक थ्रक देखी है, अरे दिल काबू में नहीं। भगवान आपका भी यही हाल करे। टिकट का क्या दाम है? अजी आप लोगों से क्या छुपाना, वही खर्ची के नौ आने जो पहले थे सो अब भी है। इतना जरूर कहूंगा भाईजान कि हर रोज हसीनों के दीदार नहीं होते, ऐसा ना हो कि वहां पर्दा उठ जाए और आप लोग यहाँ की हवा खाते रहें। एक इल्तिजा और है, जरा गौर से सुनिए, कुर्सियों पर जरा मेहरबानी की निगाह रखिएगा, चूंकि किराए की है। आधा वर्ष, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। वाह वाह भाइयों, अरे नौ आने मिस बिजली का नाच, हाय हाय, चलो 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 भाइयों चलो। बिजली कहाँ चली गई? बिजली, ओ बिजली, खन्ना साहब आधा वर्ष। अरे खन्ना साहब, ये ले, बोल ले। एकदम हाउस तो खचा खच भर गया है। खचा खच के बच्चे, ये देख बिजली गायब हो गई। अरे खन्ना साहब, आप क्या होगा, इतनी पब्लिक बढ़ी है, इनको क्या जवाब दोगे? खन्ना साहब हर फन मौला है, मालिक से लेकर नौकर तक का काम जानता है। अरे अपन बिजली कैसे बनोगे? आज कंगन को आरती क्या है, तू जाके दूल्हा बन जा और मैं ए, ए, क्या? अबे जा क्या के बच्चे जा। अपनी कसम मैं घूंघट के पटना खोलूं रे या राम, कसम मैं घूंघट के पटना खोलूं रे या। अब तो गया घूंघट का जमाना, अब तो गया घूंघट का जमाना, आया नया जमाना, आया नया जमाना, ता चलेंगे ना करेंगे, गाएंगे इंग्लिश गाना, गाएंगे इंग्लिश गाना। जावज मैं ना बोलू रे, जावज मैं ना बोलू रे, राम कसम मैं अपनी कसम मैं घूंघट के पटना खोलू रे, राम कसम मैं घूंघट के पटना खोलू रे। घूंघट से बाहर निकला जे, घूंघट से बाहर निकला जे, मुखड़ा मेरा गुलाबी, मुखड़ा मेरा गुलाबी, सास मेरी मारे के ताना, सास मेरी मारे के ताना, हंसेगी मेरी भाभी, हंसेगी मेरी भाभी, लाज के मारे छुपते जाऊं, लाज के मारे छुपते जाऊं, मैं न पिया से बोलू रे, मैं न पिया से बोलू रे, राम कसम मैं अपनी कसम मैं घूंघट के पटना।
सुन मैं घूंघट के पटना खोलूं रे आ जा मुझे मैना बोलूं रे जा मुझे मैना बोलूं रे राम कसम मैं अपने कसम मैं घूंघट के पटना खोलूं रे आ राम कसम मैं घूंघट के पटना खोलूं रे आ ये मिस्टर बिजली नहीं ये मिस्टर बिजली है हमारे पैसे वापस दे दो अरे खुदा साहब अब क्या होगा अबे चुप रहे कुर्सी है तो गिनने दे एक दो तीन चार पाँच छः सात मर्द से औरत बने मगर कुर्सियां फिर भी टूटी खन्ना साहब तो खन्ना साहब अब होगा क्या अबे होगा क्या जल्दी से कपड़े बदल नहीं तो वो आके यहाँ हड्डी पसली ठीक कर देंगे अरे बिजली तो चली गई हमारा ये हाल कर दिया अरे बिजली की तो अब क्या कहूँ चेहरे को हाय हाय भगवान कसम ये बिजली ने तो नाक में दम कर रखा जी हाँ हुजूर अबे हुजूर के बच्चे अखबारों में इश्तेहार दे दी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दे कि खन्ना थिएटर की एक एक्ट्रेस दिन दहाड़े गायब हो गई हम तो जानते थे कि वो कभी आराम से नहीं बैठेगी भगवान ने रूप क्या दिया है कि आपे से बाहर हो गई अरे भाई इससे शोखी उसकी पगली उछाल उसकी तो लो सरकारे हुस्न यहाँ मौजूद है और अब वहाँ हमारे थिएटर का दिवाला निकल गया मैं पूछता हूँ इसमें हंसी की क्या बात है अजी हुजूर एक कुर्सी भी तो सलामत नहीं बची शुक्र कीजिए अपनी हड्डी पसली सलामत बच गई अगर जरा सी देर वहाँ और रह जाते तो एक तेलू के 36 तेलू नजर आते और खन्ना थिएटर बर्बाद हो गया खन्ना थिएटर बर्बाद हो गया बड़ी खुशी की बात है कुर्सियाँ टूट गई वाह 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 मुबारक हो खन्ना साहब मेरा तो ख्याल था कुर्सियां टूटने के बाद लोग थोड़ी बहुत आपसे ही बातचीत कर लेते तो बहुत अच्छा होता बातचीत कर लेते क्या हाँ वही मशहूर हरकत लो यानी जूते पड़ जाते हाँ, हाँ। देखो ये हमारा भला चाहने वाली एक तो हमारा थिएटर वो थिएटर था नहीं तो क्या घोड़े का तबेला है माफ कीजिएगा आप उसे थिएटर कहते हैं लोग तो उसे खन्ना साहब का चलता फिरता अस्तबल कहते हैं वाह 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 क्या थिएटर था खन्ना साहब लोगों को घेर घेर के ला रहे हैं तेलू साहब टिकट बेच रहे हैं और मिस बिजली नाच भी फरमा रही है और पर्दे भी गिरा रही है सुना तुमने अजी साहब मैंने तो सुना अब आप ही सुनिए याद है इतनी सी थी जब यतीम खाने से लाए थे जी हाँ एक यतीम खाने से ले आए और दूसरे यतीम खाने में दाखिल करा दिया हर बार शो कामयाब और हर बार रुपया जेब में और हर बार खन्ना साहब फरमाते हैं मिस बिजली फिक्र न कीजिए एक शानदार थिएटर लेंगे एक शानदार प्रोग्राम बनाएंगे और हर बार शानदार झूठ लो अब कुछ समझ आई मानता हूँ गुरुजी अब आपसे इस थिएटर में काम नहीं होगा जी नहीं भाई इनकी तो वही मसल है नाज की खत्म है इन पर जो ये फरमाते हैं और फर्श मखमल पे मेरे हाय पैर छिले जाते हैं अरे भाई जहाँ तुम्हारे होंठ हिले वहीं खन्ना साहब ता थे थे तत्ते छोड़िए खन्ना साहब इन बातों को अब फरमाइए आपका इरादा क्या भगवान कसम बड़ा नेक इरादा है लोग गली गली में मिस बिजली पुकारते फिरेंगे बड़ा शानदार प्रोग्राम होगा है माफ कीजिएगा झूठ प्रोग्राम नहीं हाँ शानदार थिएटर शानदार गाना और शानदार इश्तेहार वाह 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 थ्री चीयर्स फॉर खन्ना थिएटर हिप हिप हुर्रे चलिए जरा चलिए मुनाजा फरमाइए जरा तशरीफ लीजिए देखिए एक खन्ना थिएटर पेश करती है मिस बिजली का जिंदा नाच हो गाना मिस बिजली बसा लो अपनी निगाहों में प्यार थोड़ा सा परवाना साहब
इधर तो आओ। क्या क्या है? बसा लो अपनी निगाहों में प्यार थोड़ा सा, दिखा दो जलवा हमें एक बार थोड़ा सा। बाबा बाबा क्या लिखा है? अरे जग्गू, अरे यार ये तो मैंने खुद लिखा, यही तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी गजल है। अरे पलिया, और मजा ये है कि ये हुस्न की तस्वीर अपने नाजुक होंठों से गुनगुनाएगी। परवान साहब, नाटक वालों को चाहिए था कि आपको बाकायदा दावत देते। हम गरीबों को कौन दावत देता है? मालूम ये होता है कि थिएटर बगैर टिकट के देखना पड़ेगा। क्यों भाई क्यों? अब पैसे कहाँ हैं? हाँ यार, पैसे तो हमारे पास भी नहीं। लेकिन अगर पैसे होते तो शायर कैसे बनते? मगर एक बात तो भूल गए, दुनिया का बेहतरीन आर्ट गरीबों की झोपड़ियों में पैदा हुआ है। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप थिएटर कैसे देखेंगे? हाँ, ये तो मामूली बात है, मैं अभी हल कर देता हूँ। तुम्हारे पिताजी शायर है, उसके सामने जाओ और जाके तारीफ करो। पिताजी क्या शेर लिखा है, मांग लो पैसे मिल जाएंगे। बेटा पिताजी मजदूरों के शायर है तो क्या हुआ, पैसे देना नहीं लेना जानते। हाँ लेना जानते। अरे अरे भगवान, पैदा किया गरीब बाप के यहाँ और फरमाया मिजाज इसका अमीराना बना। बाप पर मना था, मुकर्रो मुकर्रो। अरे फरमाया कि मिजाज इसका अमीराना बना के। बाबा 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 बाबा। आइए पिताजी आइए। हम आपकी तारीफ कर रहे थे, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था, खूब तारीफ कर रहे थे आप मेरी। जी, जी। और हाँ, तो आपका बाप गरीब है और आपको उसका बेटा होने में शर्म आता है? नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी कविता ने मजदूरों की दुनिया बदल डाली और ये आपका बेटा होकर आपके लिए ये कहे, ये कभी नहीं हो सकता। ये क्या है? ये कुछ नहीं कुछ नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी में दरख्वास्त की है। दरख्वास्त म्युनिसिपैलिटी। बसा लो अपनी निगाहों में प्यार थोड़ा सा, दिखा दो जलवा हमें एक बार थोड़ा सा। ये आपके बेटे ने गजल लिखी है चाचा जी, एक दिन जरूर आपसे बाजी ले जाएगा ये। खामोश, चिराग तले अंधेरा। बाप मजदूरों का शायर और बेटा इश्क के तराने अलापता फिरता है। तुम मजदूरों की सभा में जा रहे थे या नाटक देखने? पिताजी मैं मजदूर सभा जाने वाला था, जग्गू कहता है पहले थोड़ा सा नाटक देख लें, कुछ रुपए दिलाइए ना। एक रुपया दो ना दीजिए, हम थर्ड क्लास में देखेंगे चाचा जी। चुप रहो, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो मजदूरों के लिए। क्या सोच रहे हो बरखुदा? मैं ये सोच रहा हूँ कि मजदूर लीडरों के घर आशिक कैसे पैदा हो जाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, ये परमात्मा पे छोड़ दो, अब तो तुम सिर्फ ये सोचो कि टिकट का बंदोबस्त कैसे होगा। जग्गू दरअसल मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया यार, तुम कुछ बताओ ना। परवाना साहब मैंने एक बात सुनी है, कहो तो कह डालू। कहो। सुना है कि जिन घरानों में बाप बड़े सख्त दिल होते हैं वहां माएं बड़ी नरम दिल होती हैं। चलो वही किस्मत आजमाए, जरूर कामयाब होंगे। चलो ना। तो चलो माँ। राम चाची। आओ बेटा। प्रेम अभी कह रहा था कि मेरी माँ जैसी माँ दुनिया में किसी की नहीं। मतलब की बात करो बेटा, कहाँ जा रहे थे तुम लोग? माँ तू बड़ी अच्छी है। मतलब की बात कर बेटे, कितने पैसे चाहिए? सच कहूँ माँ, 9 आने चाहिए टिकट के लिए। कैसी टिकट? अरे वहाँ पुतलियाँ नाचेगी, घूम घूम घूम। तो हम भी चलेंगे। नहीं नहीं, वहाँ औरतें नहीं जा सकती, वहाँ हाथी होंगे, रीछ होंगे। चला ठीक है, वो सच्ची बात है ना, क्या ना। चाची मेरी भी एक अर्ज है। लो तुम भी लो ना। अरे जियो जियो चाची, लाख बरस जियो, ये मेरी दुआ है। अच्छा माँ चल दे। तुम दोस्त हुए ना कामयाब। 12 रुपए 2। ओ हमने लाखों के बोल सहे सावरियात। हाय हाय मिस बिजली जियो। जग्गू चलो चलो। बसा लो
एक बार थोड़ा सा बसा लो अपनी निगाहों में प्यार। बोले हाँ, तो हंस के बोले अभी इंतजार, अभी इंतजार थोड़ा सा, दिखा दो जलवा हमें एक बार थोड़ा सा। खुशी से भर दिया दामन रकीब का तुमने, हमें एक बार, हमें एक बार थोड़ा सा दिखा दो जलवा हमें एक बार। चढ़े तुझे भी किसी दिन बुखार, किसी दिन बुखार थोड़ा सा, दिखा दो जलवा हमें एक बार, हमें एक बार थोड़ा सा, बसा लो अपनी निगाहों में प्यार थोड़ा सा। जी चाहता है वो सामने बैठी रहे और मैं लिखता रहूं, मैं लिखता रहूं और वो गाती रहे, और अगर मैं गाने लगूं तो वो नाचती रहे, नाचती रहे। मगर एक बात है परवाना साहब कि इन सब गानों की धुनें मैं बनाऊंगा। जग्गू अगर मेरी बातें पूरी करवा दे तो तुम्हारा ये जुल्म भी सर आंखों पर। तो चलो चलो अभी सेठ के सामने एप्लीकेशन कर देते हैं। सेठ के? हाँ चलो चलो। दब गई चुराया गाना परवान साहब। सेठ अरे बुद्धू मुझे तो ये कुछ चपरासी बाजी दिखता। अरे नहीं नाटक कंपनी का मालिक ऐसा ही होता है, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। अच्छा मेरी जान नाराज तू। चलो चलो। सलाम। सलाम। नाटक कंपनी के मालिक आप ही हैं? जी मैं तो चपरासी हूँ। हमको तो मालिक से मिलना है। मालिक से मिलना है? हाँ। वो तो बंगले पर मिलेंगे। अच्छा साहब आप ये भी बता दीजिए कि वो बंगला कहाँ है। चार पाँच करोड़। चार पाँच करोड़। सलाम सलाम सलाम। चार पाँच करोड़। हुजूर आज का गाना खूब था, लोग कहते थे नाटक में और तो कुछ नहीं था, लेकिन खन्ना साहब ने जो गाना लिखा है बस वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आपके। भाई तेलू तुम ये बताओ कि खन्ना साहब ने कब खूब नहीं लिखा। नमस्ते जी। हाँ आप कौन साहबान हैं? मैं मिस्टर जग्गू, आप परवाना साहब। परवाना साहब? हाँ परवाना साहब सरकार, हम तो दो ही परवानों को जानते हैं, एक जानवर परवाना और दूसरा आदमी जाने के। आप परवाना नंबर एक मोमबत्ती पर जलता है और परवाना नंबर दो जाने के आप शायरी की शमा पर जला करते हैं। परवाना नंबर एक जलकर खाक हो जाता है और परवाना नंबर दो जलकर और जिंदा होता है। कौन परवाना? फिर वही बात। अजी सरकार अभी अभी स्टेज पे मिस बिजली जो गजल गा रही थी ना वो आप ही ने लिखी है। अच्छा जी। हाँ। शायरी चारा समझकर हर गधे चरने लगे और उर्दू जबान आती नहीं शायरी करने लगे। मैं देखूं।
अरे भाई, अगर आपकी गजल हुई तो क्या हुआ? गजल को हमने ठीक किया, मिस बिजली के रंगीन होठों ने उसे गाया, हमने उसमें चांद लगा दिया। गजल में था क्या? गजल में था क्या? फिर कहिए तो क्या? चलो। अरे नहीं यार, गजल में था क्या? खन्ना साहब ठीक फरमा रहे हैं, आपने पेश किया, मिस बिजली ने गाया, खन्ना मींस व्हाट। मगर सरकार उसमें कुछ कमी थी। कमी थी? क्या? हारमोनियम ठीक नहीं बजा। दस बरस से मैं एक हकीम की तरह हारमोनियम की नब्ज टटोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन न हो तो मंगाइए हारमोनियम, अभी बता देंगे। हेलो, मंगाओ हारमोनियम। हाँ, और साथ में परवाने साहब को भी सुन लीजिए। मैंने गाऊंगा जग्गू। क्यों नहीं गाओगे? अरे क्या बात करते हो, खन्ना साहब अपने आदमी है क्या? अच्छा, अगर तुम कहते हो तो ऐसे ही संभालना पड़ता है इसको, शहराना दिमाग है ना। मंगवा मंगवा। मजदूर भाइयों, आप लोग पंडित रामदयाल को अच्छी तरह जानते हैं। पहले वो सरकारी नौकर थे, राय साहब थे, मगर कौम की पुकार सुनकर सरकारी नौकरी को लात मार दी, राय साहब का खिताब छोड़ दिया, और जिस कदर दौलत उनके पास थी सब लुटाकर कौमी फकीर बन गए। कौमी फकीर पंडित रामदयाल जी। अर्ज किया है कि ये गम ये बेकसी का जीना क्यों है? ये गम ये बेकसी का जीना क्यों है? गिरदाब में मुफलिस का सफीना क्यों है? ऐ जाम शराब से बहलने वालों, ऐ जाम शराब से बहलने वालों, मजदूर के माथे पे पसीना क्यों है? अपनी निगाहों में प्यार थोड़ा सा दिखा दो जलवा हमें एक बार थोड़ा सा, खुशी से भर दिया दामन रकीब का तुमने, हुजूर मेरे लिए भी करार थोड़ा सा, हुजूर मेरे लिए भी करार। मैंने तुम दोनों को मना किया था कि नाटक में कभी न जाना। चाचा जी, ये नाटक नहीं, खन्ना साहब का बंगला है। तुम्ही ने इसको बिगाड़ा है, ये सब तुम्हारी शरारत है, और इसे भी तो शर्म नहीं आती। मगर पिताजी, हमने किया क्या है? और इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? बाप मजदूरों की सभा में अपनी नज्म सुना रहा है, और बेटे के इश्किया गाने की आवाज उसके नज्म की आवाज से टकरा रही। लोग होनहार बेटे के कारनामे देख रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि आज के बाद कभी न तुम ऐसा गाना गाओगे और न कभी लिखोगे, समझे? पिताजी, ये मुझसे न कहिए, भगवान से कहिए। उसने मुझे जज्बात क्यों दिए, कलम क्यों दिया? लोगों का चलन बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। मैं तुम्हें वतन की सेवा पर लगाना चाहता हूं, और तुम आवारा हो गए हो। मैं जिसे सितारा बनाना चाहता था वो खाक का जर्रा ही रहा। हम भी वतन की सेवा करते हैं पिताजी। आप वतन को जगाते हैं, हम वतन को हंसाते हैं। आप वतन की इज्जत हैं, हम वतन की मुस्कुराहट हैं। मुस्कुराहट? किसकी मुस्कुराहट हो तुम? उस वतन की जहां जहालत गरीबी है, जहां महलों के सामने झोपड़ियां हैं, जहां होटलों के सामने लोग भूखे मरते हैं। वतन उम्मीद करता है हर आर्टिस्ट से, हर कलाकार से, कि इस मुसीबत के वक्त में वो मुस्कुराना भूलकर लोगों के आंसू पोंछे। तुम में से कौन है जिसने लोगों के दिलों के धड़कने सुनी है? बेटा, मैं तुमसे कलम छीनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपने लिखने का अंदाज बदल दो। छोड़ो ये नकली जज्बात की दुनिया और मेरे साथ चलो। मगर पिताजी, तुम चलते हो या मैं जबरदस्ती करूं? पिताजी, आप सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। खामोश, बेइज्जती, चलो मेरे साथ। पंडित जी, हमें भी कोई उपदेश देते जाइए। तुम अपने नाटक को देश सेवा में लगा दो। वाह वाह, नाटक को देश सेवा में लगा दो और खुद भीख मांगता फिरो। और ये हकीम साहब, उठ बे, निकल बाहर। खन्ना साहब सलाम। निकल।
क्यों बरखुदार, अकेले ही चलती? देख ली तेरी दोस्ती। जग्गू, थिएटर में काम मिलना आसान नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी परदेश में मेरे साथ ठोकरें खाते फिरो। दोस्त के साथ ठोकरें खाने में ही मजा आता है परवाना साहब। तुम नहीं जानते जग्गू, परदेश में कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। यहाँ तो तेरी माता जी है, पिताजी है, वहां कौन होगा? मेरे सामने क्या मुसीबत आएगी, मैं खुद मुसीबत हूँ। जग्गू, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे पहलू में इतना बड़ा दिल है। परवाना साहब, इसमें मेरी कोई बराई नहीं, भगवान ने मेरे साइज के मुताबिक मुझे दिल दे दिया है। भगवान, ओ भगवान, तेरे बच्चे जीते रहे। अच्छा जग्गू, चलो मेरे साथ। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा निशानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। ना मांगू टमटम बाबू, ना मांगू मोटर कार। ना मांगू टमटम बाबू, ना मांगू मोटर कार। एक निशानी प्यार की मांगू, एक निशानी प्यार की मांगू। मिल जाए सरकार, मिल जाए सरकार, रुल मनसानी मनसानी, दिल भर जानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा निशानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। चले की क्या बात हैरानी, मांगो दिल और जान। चले की क्या बात हैरानी, मांगो दिल और जान। दिल और जान क्या है कर दूं, दिल और जान क्या है कर दूं। कुल दुनिया कुर्बान, कुल दुनिया कुर्बान, मेरी ले ले निशानियों दिल भर जानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी मेरी मेहरबानी। चला दे जा निशानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। सौदागर प्रेम नगर का हुस्न पितू सरकार, ये सौदागर प्रेम नगर का हुस्न पितू सरकार। तेरी एक नजर की कीमत, तेरी एक नजर की कीमत। सौदागर का प्यार, सौदागर का प्यार, किसकी सुन ले कहानी। ओ दिल भर जानी, चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा निशानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। आए आकर चले गए सब मजनू और फरहाद, आए आकर चले गए सब मजनू और फरहाद। वो सब थे शागिर्द हमारे, वो सब थे शागिर्द हमारे, हम उनके मुस्ताद, हम उनके मुस्ताद। भूल न जाना हमको रानी, वो दिल भर जानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा निशानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। चला दे जा, ओ चला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी। रवाना सर, अब चलो, चले चलो भाई गाड़ी वाले, चलो चलो भाई गाड़ी वाले तो पी उड़ी जाए रे, जरा गाड़ी को ब्रेक लगाओ। अरे ठहरो 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 ठहरो, क्या हुआ? कहाँ जाती? कौन जाती?
जाति? अरे तुम अरे भाई हम जाति नहीं जाता नहीं नहीं हम जाति बोलती जाति बोले रे वाह बहुत अच्छा क्या बोलती तुम बहुत अच्छा बाजा बजाती वाह 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 और तुम क्या करती मैं शेर बेचती तू लेती ना बाबा ना शेर नहीं 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 काटने वाला शेर नहीं गाने वाला शेर कविता गाना गाना हम कभी कविता लिख देती कविता देती पर तुम क्या करती उसको हम बाजार में गाती कांच के मन के बेचती खाली बोतल बेचती ताला बेचती चाकू बेचती सब कुछ बेचती तुम हमारे लिए गाना गाती हम तुमको खाना कप दाम लाइए माला लेते जाइए हार लेते जाइए मुफ्त में परदेसी का प्यार परदेसी का खूब रहा रानी जी अब तो जाते रहे रानी जी अब तो जाते रहे दिन खूब लिखी खूब लिखी कल रंग जमेगा चौधरानी डबल सेल होगी डबल सेल क्या दुगनी बिक्री बिक्री फिर तो पांचों घी में सर कढ़ाई में और घर चीरे ये बाजा हमें बहुत अच्छी लगती है तो क्या हम अच्छी नहीं हम क्या जाने कोयल तुम जानता है प्यार क्या होता है हम क्या जाने अरे मेरी गोरी कोयल बोलूंगा ऐसी बात करेगी तो सरदार मार देगी हाँ। अच्छा हम जाते हैं इसे इसे कहाँ ले जाता है इससे हमें प्यार हो गई है प्यार तो तुम जानता है प्यार क्या है हाँ? फिर बताएगा जगू ओ जगू जी नजरें ये कह रही हैं उन्हें प्यार हो गया है भगवान ओ भगवान तेरे बच्चे जीते रहे उन्हें प्यार हो गया है बन गई क्या प्रेम क्या अभी तक सो रहा है उसे भी बुला लो ना अच्छा प्रेम बेटा प्रेम वहां नहीं है ये चिट्ठी पड़ी थी क्या लिखा है इसमें प्यारी माता जी मैं घर छोड़कर जा रहा हूं इस घर की चहार दीवारी में मेरा शौक जिंदा न रहेगा मेरा और पिताजी का रास्ता अलग अलग है घर की छांव में आराम है मेरे दर्द की दवा नहीं मैं स्टेज की जबान से दुनिया को अपने गीत सुनाना चाहता हूं पिताजी का आशीर्वाद मुझे न मिल सकेगा लेकिन मां तुम मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना तुम्हारा बेटा प्रेम तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तुम्हारे पापा से घबरा कर वो घर छोड़कर चला गया परदेश में क्या हाल होगा मेरे बच्चे का हिंदुस्तानी मां हमेशा डरती रहती है वो चला गया तो क्या हुआ
उसे जिंदगी के मैदान में कूदने दो, दुख सुख की लहरों में खेलने दो, तूफानों से टकराने दो। मुझे उसका रास्ता पसंद नहीं, लेकिन उसके सीने में जो आग है वो अंधेरे में उजाला करेगी। वो वापस आएगा, या कामयाब होकर या रास्ता बदलकर। या तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा या मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलेगा। अभी आएगी, अभी आएगी, गाना सुनाएगी, नशा बरसाएगी, अभी आएगी। दावर्जे, और सुनिए कि मैं, अरे ये तो आएगी की जगह आएगा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है, क्या तकलीफ है आप लोगों को? अभी आएगी, नशा बरसाएगी, गाना सुनाएगी। अगर आपको गाना नहीं सुनना है तो तशरीफ ले जाइए। है क्या गजब कर रहे हो, तुम सुरीले आदमी हो, ज्यादा चीखोगे तो आवाज बैठ जाएगी। जाइए तशरीफ ले जाइए। क्या कहा? नहीं बाबा नहीं, हम लड़ना नहीं चाहती। चलो चलो, कितना समझदार आदमी। चलो भाई चले। खाना साहब ठहरिए, गाना सुनेंगे। अभी और गाना सुनोगी? जग्गू कोयल, ओ जाने वाले जान, जरा मुस्कुरा के जा, जरा मुस्कुरा, जरा मुस्कुरा के जा। जालिम जरा नजर से नजर तो मिला के जा, ओ जाने वाले जान, जरा मुस्कुरा के जा। आया था कोई मस्त जवानी लिए हुए, आया था कोई मस्त जवानी लिए हुए, रफ्तार में नदी की रवानी लिए हुए, आंखों में शौकियों की कहानी लिए हुए। कह दो उसे के एक झलक तो दिखा के जा, ओ जाने वाले जान, जरा मुस्कुरा के जा, ओ जरा मुस्कुरा, जरा मुस्कुरा के जा। दौलत है जिनके पास, वो कितने हैं खुश नसीब, हम दूर दूर आपसे, वो आपके करीब, माना के हम गरीब हैं, दिल तो नहीं गरीब, दौलत तो आजमाई है, दिल आजमा के जा, ओ जाने वाले जान, जरा मुस्कुरा के जा, ओ जरा मुस्कुरा, जरा मुस्कुरा के जा। भगवान तुझको प्यार सिखाए मेरी तरह, भगवान
भगवान तुझको प्यार सिखाए मेरी तरह, दिल में तेरे भी आग लगाए मेरी तरह, रातों को तुझको नींद न आए मेरी तरह, या दर्द लिए जा या मेरा गम मिटा के जा, ओ जाने वाले जा जरा मुस्कुरा के जा, ओ जरा मुस्कुरा जरा मुस्कुरा के जा। मुझ पे तो इनके गीत ने जादू कर दिया है। जादू और इनके गीत ने पढ़े अंग्रेजी और बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। अरे भाई अगर चाकू छुरी बेचने वाले गाने लगे तो खन्ना साहब का थिएटर कोई नहीं देखेगा, क्यों बतालू? अजी लानत भेजिए, चलिए आगे। चल भाई। जग्गू छोड़ो, कोई मैं बहुत थकी हुई हूँ। जग्गू जग्गू हम शहर जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? हम घर से ताले बेचते नहीं निकले थे, अभी चलो, अगर सरदार ने देख लिया तो नहीं जाने देगा। अरे यार अब हमें यहाँ रहना चाहिए, देखो ना यहाँ की आबवा कितनी अच्छी है, और फिर यहाँ कोयल भी है। तो मैं जाता हूँ, तुम अपनी कोयल के साथ चहकते रहो, क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? परवान साहब क्या तुम मेरी दोस्ती का इम्तिहान लेना चाहते हो? अरे यार मैं तेरी खातर कोयल तो क्या सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो अभी चलते हैं, तुम समझते हो मेरे लिए सब कुछ कोयल है, ये तुम्हारे साथ भूल है। चलो कोयल तो हजार मिल जाएंगी, तुम कहाँ मिलने वाले हो मुझे? हाँ, अरे कोयल तुम यह क्या करते है? तुम हमें अकेला छोड़ के जाती है? कोयल तुम वापस जाओ। हम भी चलेगा। परवाना साहब देखो ना यार, मैंने तेरी खातर इसे छोड़ा था, अब तुम मेरी खातर इसे ले चलो ना। जो चीज छोड़ी थी वही वापस मांगते हो बेटा? क्या करूं, दिल का मामला है। अच्छा कोयल चलो। अरे हम ये खाएगा। खाएगी? परवाना साहब क्या क्या जगू क्या थिएटर थिएटर मॉडर्न थिएटर नाटक कंपनी अंदर चला जाए। भागो भागो जल्दी चलो जल्दी जल्दी। अच्छा तो भाई कोई नया गाना सुनाओ, बिल्कुल नया हो। जी हाँ बिल्कुल नया। बिछड़ के हाय बिछड़ के मिल गई अखियां, मिल गई अखियां रामा, बिछड़ के मिल गई अखियां। अरे बस मुझे बना दो, ये भी कोई नया गाना है? जी हाँ बिल्कुल नया है, वो तो मिल के बिछड़ गई अखियां था और ये बिछड़ के मिल गई अखियां है, वो जुदाई का था और ये मुलाकात का है। बस भाई माफ करो, मुझे ऐसे गाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा साहब मैं भी कुछ अर्ज कर सकता हूँ, क्या आप गाना गाएंगे? जी हाँ, इसे भी सुन लीजिए ना। सुन लीजिए। अच्छा सुनाइए। दुनिया ये दुनिया कलकत्ता मेल, कलकत्ता मेल ये दुनिया। ये तो बिल्कुल पुराना है। अरे साहब आप भी अजीब आदमी हैं। वो तूफान मेल था, मैंने कलकत्ता मेल लिखा है। तूफान मेल और कलकत्ता मेल में आपको कोई फर्क ही नजर नहीं आता। बस भाई माफ करो, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। खैर मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये ख्याल रहे तूफान मेल और कलकत्ता मेल में बहुत फर्क है, कहीं ऐसा ना हो कि आप तूफान मेल समझकर कलकत्ता मेल में सवार हो जाएं। आधा वर्ष है। अच्छा आप भी चले जाइए। क्या मैं भी? हाँ आप भी। बहुत खूब। आधा वर्ष है। आप कौन साहब है? परवाना साहब मशहूर शायर शान हिंद। सुना है आपको कुछ नए गानों की जरूरत है? जी हाँ। जी साहब हाथ कंगन को आरसी क्या अभी लीजिए। अपने पास तो सरकार गोदाम भरे हुए हैं गानों के। कोयल जरा जरा तबला ले ले। जरा हो जाए तो दो हाथ। ओ जाने वाले जान जरा मुस्कुरा के जा, जरा मुस्कुरा
जरा मुस्कुरा के जा, जालिम जरा नजर से नजर तो मिला के जा, ओ जाने वाले चांद जरा मुस्कुरा के जा। अरे भाई बस करो, कम वक्त इस गाने ने तुमको बर्बाद कर दिया है। अभी गाना सुना और बर्बाद भी होगा। अभी सुना और अभी बर्बाद। अभी नहीं सुना, दो महीने से सुन रहा हूँ खन्ना थिएटर में ये गाना। खन्ना थिएटर कम वक्त ये गाने ने तो मेरा थिएटर फेल किया। खूब गाना लिखा है जालिम खन्ना ने, खूब गाना लिखा है जालिम खन्ना ने। जग्गू सुना तुमने? सुना मैंने। साहब जरा बताइए तो ये खन्ना थिएटर कहाँ है? अजी हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, वो सामने पड़ा है खन्ना थिएटर। अभी मालूम हो जाएगा सरकार के किसने ये गाना लिखा है। चलिए परवाना साहब, चलो आसमां पर चांदनी है जमी पर चांदनी, आओ तरिया ताके रख लूं सीने में तुझे, मेरे भी वीराने में हो जाए दम भर चांदनी। साहेबान आप लोग ने आसमान की बिजली देखी होगी, हम तुम्हें जमीन पर बिजली दिखाते हैं। वो बिजली गिरती है जलाकर खाक कर देती है, ये बिजली नई जिंदगी देती है। कहते हैं आंखों वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, जोबन का तमाशा नहीं जो बन के तमाशा देखे। ये है दुनिया का बाजार, ये है दुनिया का बाजार, इस बाजार में देखा हमने, इस बाजार में देखा हमने, हंसने रोने का व्यापार, हंसने रोने का व्यापार, कहीं मिले आंसू की लड़ियां, कहीं मिले आंसू की लड़ियां, कहीं मिले आशा के हार, कहीं मिले आशा के हार, कहीं दर्द कहीं प्यार, कहीं जीत कहीं हार, ये है दुनिया का बाजार, ये है दुनिया का बाजार। आपसे मिलिए अजी आपसे मिलिए, आप कौन है शहर के बड़े रईस, आपसे मिलिए आप कौन है शहर के बड़े रईस, काम आपका जेब काटना नाम 420 420, काम आपका जेब काटना नाम 420, इनसे बच के रहो सरकार के ये है चोरों के सरकार। ये है दुनिया का बाजार, ये है दुनिया का बाजार। आपसे मिलिए अजी आपसे मिलिए, आप कौन है मिस चमकीली जान, आपसे मिलिए आप कौन है मिस चमकीली जान, दौलत की पहचान है इनको दिल की नहीं पहचान, दौलत की पहचान है इनको दिल की नहीं पहचान, सीखो इनसे झूठा प्यार कि ये है चोरों की दिलदार। ये है दुनिया का बाजार, ये है दुनिया का बाजार। बस बस अब परवाना साहब आपसे कुछ कहेंगे। परवाना साहब दोस्तों एक बात बताओगे? या। अगर कोई आदमी हमारे गीत अपने नाम से पेश करे तो आप उसे क्या कहेंगे? शाबाश शाबाश। एक बात और बताइए, अगर किसी की नजरों में हमारे लिए प्यार हो, प्यार और दौलत के लालच में हमसे दूर है तो आप उसे क्या कहेंगे? शाबाश शाबाश। अब दोस्तों मैं भी कुछ अर्ज करूंगा, अगर फिर हम यहाँ गाने को आए तो आप लोग वहां जाओगे या यहाँ? खन्ना साहब ऐसे तो ये हमारा एक भी शो होने नहीं देंगे, आप इन्हें थिएटर में नौकर रख लीजिए,
भाई वैसे तो खन्ना साहब कभी नहीं मानते, जब सरकारें हुस्न फरमा रही हैं तो मजबूर। तुम जो चाहो तुम मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। अरे भाई तेलू, इनको ऑफिस में बुला लाओ। हमारी ये शर्तें हैं, तनख्वाह आपकी 100 रुपए महावार, जग्गू साहब की 50 रुपए, 60 रुपए कोयल की, खाना कपड़ा मुफ्त, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक थिएटर में रहना होगा, गाना हम पसंद करेंगे, रेसल हमारी निगरानी में होगी और जब तक हम ना कहें शो नहीं होगा। जग्गू चलो चलो चलो, चलो। मैंने कहा सुनिए, क्यों साहब आप नाराज हो गए क्या? अजी हुजूर कुछ तो फरमाइए, आप चाहते क्या? ये नई दुल्हन की तरह रूट कर जाने का अंदाज अच्छा नहीं। क्यों नहीं साहब, आर्टिस्ट हैं घसियारे थोड़े। अरे भाई आपको अभी आर्टिस्ट से पाला ही नहीं पड़ा है। बिल्कुल ठीक। तो सुनिए साहब, हमारी शर्तें ये है, हमारी तनख्वाह 500 रुपया, जग्गू साहब 400 रुपया और मेम साहब 600 रुपया, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और घूमने के लिए मोटर कार। वेरी गुड। वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी, जी चाहेगा तो आएंगे, मूड नहीं होगा तो नहीं आएंगे। गाने खुद लिखेंगे, रिहर्सल अपनी मर्जी से कराएंगे और जब तक हम हाँ नहीं कहेंगे शो नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, जब आप कहेंगे तब शो होगा। बड़े साहब खन्ना साहब है। मिस्टर बड़े साहब परवाना साहब है, रुपया इनका खर्च होगा, लोग इनके नाम पे आएंगे। थिएटर के मालिक आप हैं, लोगों के दिलों के मालिक आप हैं। मैं कहता हूँ आप चुप रहिए, आप चुप रहिए वरना वो झापड़ रसीद करूंगा कि जमाल घोटा बना दूंगा। मैं कहता हूँ वो लाफा दूंगा कि यूं फराटी खा के घोटा बना दूंगा। आप चुप रहते हैं। अरे हमार चलो चुप रहो, समझने की कोशिश करो। जी अच्छा मैं क्या समझूं? अरे भाई समझ जाओ यानी एग्रीमेंट कर लो, जब उखली में सर दिया तो मूसल का क्या है, अब जब सरकारें हुस्न फरमा रही है तो फिर तो कहने की जरूरत नहीं। एक बात और है साहब। अजी एक नहीं दो कहिए, अब तो आपके क्या कहने हैं। रिहर्सल अकेले में होगी और जिस वक्त हम चाहेंगे उस वक्त होगी। जरूर होगी। नजरें मिलने भी न पाए तुम नजर में आ बसे, इनके ढूंढे भी नहीं और तिनके ढूंढे भी नहीं और आशियाना बन गया। कोयल ये है बंगले का नमूना। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है एक बंगला बने न्यारा, रहे उसमें कोयल प्यारा। क्या हुआ जग्गू? हमको नींद आता है। नींद आता? तुम जाओ। मैं जाऊं? जग्गू जग्गू अबे ओ जग्गू, क्या हुआ क्या हुआ? नया गाना लिख लिया। ये तो आप रोज लिखते हैं परवाना साहब। कितनी अच्छी नींद में सोया था, बुरे वक्त पे जगा दिया आपने। अच्छा बस अबे तुम्हें नए गाने की कोई खुशी नहीं? आप तो यूं उछले हैं जैसे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लिख लिया है आपने। अदा बस जग्गू साहब अभी रिहर्सल होगी इसी बात, जरा मिस बिजली को बुलाइए। बिजली को बुलाऊं? परवाना साहब रात के 12 बजे हैं। आप इनकार नहीं कर सकते, आप मेरे असिस्टेंट हैं जी, आपको तनख्वाह मिलती है। मिलती है। आप खन्ना साहब के नौकर हैं, तशरीफ ले जाइए। खन्ना साहब के नौकर, तनख्वाह मिलती है। शर्त नंबर 4, जब जी चाहेंगे रिहर्सल करेंगे। ठीक। अच्छा कोयल मैं जाती हूँ। किधर जाती है? नौकरी कोयल, नौकरी करती मैं। हम नहीं जाने देगा। जग्गू तुम जाओ, हमें नींद आता है। वो तो हमने ऐसे ही बोला था। अच्छा तो कोयल तुम ये नक्शे में देखो कि हम मोटर किधर रखेगा। मैं अभी जल्दी आती हूँ। जग्गू जल्दी आना। क्या कहा? जल्दी आना। अरे मैं बिल्कुल जल्दी आऊंगी। अरे परवाना साहब आपकी नौकरी। खन्ना साहब परवाने साहब का भी दिमाग खराब है, रात को 12 बजे रिहर्सल। खन्ना साहब
मैं जग्गू। हाँ जग्गू, बिजली का बिजली। हाँ कौन जग्गू साहब इस वक्त क्यों? परमाना साहब की तबीयत ठीक है ना? अजी तबीयत ही तो ठीक नहीं उनकी। हाँ तबीयत ठीक नहीं, क्या बात है? ठहरो मैं भी चलती हूँ। खन्ना साहब, खन्ना साहब। ये आधी रात को घंटी किसने बजाई, क्या बात है? जग्गू साहब आए हैं। जग्गू, परवाना साहब की तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर को बुलवा दीजिए ना। अजी उन्होंने डॉक्टर को नहीं आपको बुलाया है रिहर्सल के लिए। हाँ आप तो कहते थे कि तबीयत ठीक नहीं। अजी तबीयत ही ठीक नहीं, अगर तबीयत ठीक होती तो आधी रात को रिहर्सल के लिए नहीं बुलाते। मैंने कहा जी जल्दी चलिए, बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ बड़े साहब? हाँ अबे बड़े साहब तो खन्ना साहब है। ओए चमचे, बड़े साहब परवाना साहब हैं। अबे नींबू निचोड़, बड़े साहब तो खन्ना साहब हैं। चुप रह भाई तेलू, जग्गू जाओ उनसे कह दो कि मिस बिजली इस वक्त नहीं आएंगी, आराम से सो जाए। खन्ना साहब एग्रीमेंट साथ लाया हूँ, ये देखिए, ये शर्त नंबर 4, जब जी चाहेगा रिहर्सल करेंगे, अगर आप तोड़ेंगे तो हम मुकदमा दायर कर देंगे। हाँ। वाह बेटा, जुमा जुमा 8 दिन की पैदाश, कल एक्टर बने आज मुकदमा दायर करने चले। जा बजा फ्रेंच बफलो। खन्ना साहब जरूर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? वहाँ। जग्गू जरा ठहरना, चलिए ना। ये दिल फरेब अदाएं, ये दिल रुबा अंदाज, खुदा करे कि तेरा उम्र भर शबाब रहे। वाह खन्ना साहब खूब फरमाते हैं आप। सच्ची? अच्छा जाओ तैयार हो जाओ। परवाना साहब, खन्ना साहब बात सुनिए, आप यहां तशरीफ रखिए। मैंने कहा जी आप ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एग्रीमेंट ये देखिए, शर्त नंबर 5, रिहर्सल अकेले में होगी। वाह बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। देखा बे तेलू, रिहर्सल अकेले में होगी तो क्या पब्लिक में होगी? है अरे पर जग्गू, मोटर यहाँ रखें। हाँ यहाँ 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 रखेंगे। हाय हाय कितनी अच्छी है तू। हम क्या अच्छा है, तुमने हमें अच्छी कह दिया, हम अच्छी हो गए। खन्ना साहब आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जा सकते जी? देखा बे तेलू, अब समझा? अब बरोबर समझा। अब जाना बरोबर समझा। ए कोयल, तुम खन्ना साहब से हंस 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 के मीठी बात क्या करता था? वो तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। ऐ मोहब्बत, उनसे मिलने का बहाना बन गया। तुमने देखा, हमने देखा, एक फसाना बन गया। वाह खूब लिखते हैं परवाना साहब आप। आधा वर्ष अर्ज किया है, आपकी नीची नजर के तीर कैसे तीर हैं, तीर चलने भी ना पाए, दिल नशाना बन गया। अच्छा जी ये रिहर्सल हो रही है? अजी नहीं साहब, ये तो प्रेम का नाटक हो रहा है। मैं तूने जज्बात सिखा रहा था। खूब चे खुश चराना बूदी और छप्पर पे भैंस कूदी। अरे मियाँ तुम इन्हें क्या सिखाओगे, ये तुम्हें सिखाएंगी। अगर इनके जज्बात देखना है तो स्टेज पर देखिएगा। चलो बिजली चलो। Thank you.
मोहब्बत तुमसे मिलना मोहब्बत तुमसे मिलने का बहाना बन गया तुमने देखा हमने देखा तुमने देखा हमने देखा एक फसाना बन गया ऐ मोहब्बत तुमसे मिलने का बहाना बन गया आपकी नीची नजर के तीर कैसे तीर हैं आपकी नीची नजर के तीर कैसे तीर हैं तीर चलने भी न पाए तीर चलने भी न पाए दिल निशाना बन गया ऐ मोहब्बत तुमसे मिलने का बहाना बन गया की कामयाबी देखकर दिल ये चाहता है कि हिंदुस्तान का टूर किया जाए इसी बात पर तुम ये गजल और लिख डालो लिखेंगे खन्ना साहब जरूर लिखेंगे अरे इब्तदाए इश्क हर होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या कोयल 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 क्या है जगू हाय परवाना साहब का गाना खूब रहा अब हमारा चलता फिरता थिएटर सारे हिंदुस्तान का दौरा करेगा कोयल तुम्हारे साथ सफर करने में कितना मजा आएगा तुम्हारा दिल भी बहुत खुश रहेगा वो कैसे हम तुम्हें दिल्ली के चांदनी चौक से सोन हलवा खिलाएगी अमृतसर के पापड़ खिलाएगी होशियारपुर में आम खिलाएगी खुद बहुत खाती है ना हमको भी बस खिलाएगी और कुछ नहीं अरे 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 कोयल सुन सुनो तो हम तुम्हें बहुत सैर कराएगी और कानपुर से फ्लेक्स की जूती ले देगी जूती हाँ? हमें जूती लेकर देगी तो और क्या ऑल इंडिया टूर नंगे पांव करेगा ऐसा नहीं होगा कोयल जग्गू आर्टिस्ट है समझे जग्गू आर्टिस्ट है तुम्हें जग्गू के साथ बंठन के रहना होगा सोसाइटी में घूमना है कोई ऐसी वैसी बात नहीं
ये ड्रेस छी 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कोयल ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, देखो सारी, चलो उठो बांध लो सारी। Ah!
कहीं भोरा तड़पता है, कहीं परवाना जलता है। हजारों कहने वाले एक ही अफसाना कहते हैं, हजारों कहने वाले एक ही अफसाना कहते हैं, अजी अफसाना कहते हैं, अजी अफसाना कहते हैं, हजारों कहने वाले एक ही अफसाना कहते हैं। जरा सुन लो हम अपने प्यार का अफसाना कहते हैं, मेरे दुनिया वाले मेरे दुनिया वाले आपका बेमाना कहते हैं। जरा सुन लो हम अपने प्यार का अफसाना कहते हैं। ये क्या अंग्रेजी पढ़ रही हो? मेरा ख्याल है तस्वीरें देख रही होंगी। तुम बताओ किसकी तस्वीर है? मैं तुम्हारे चेहरे पर प्यार और ममता की झलक देखकर ये बता सकता हूँ कि तुमने अपने बेटे की तस्वीर देखी होगी। पंडित जी के घर में राजकुमार पैदा हुआ है, जरा उसकी शान तो देखो। एक मोती खाक के जर्रों में मिल गया है। हाँ, आप खुद जो सादा हैं, न सावन सूखे न भादो हरे, जब से सरकारी नौकरी छोड़ी है 6 पैसे की पगड़ी और 6 आने की धोती पहने फिर रहे हैं। कोट पतलून में पूरा अंग्रेज मालूम होता है मेरा बेटा। पंडित रामदयाल ने अंग्रेज से कभी मोहब्बत नहीं की, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। अच्छा छोड़िए, ये बताइए क्या लिखा है। खन्ना थिएटर्स बंबई, पहला शो, पृथ्वीराज संयोगता, परवाना पृथ्वीराज, मिस बिजली संयोगता। कितनी अच्छी लड़की है, ये तो मेरे बहू बनने के लायक। क्या कहा, पंडित रामदयाल की बहू और एक नाटक की लड़की, वो नाटक में संयोगता ही बने तो अच्छा। काम किया, बस मजा आ गया। वेरी गुड जग्गू, वेरी गुड, बहुत अच्छे कोयल। खन्ना साहब सीन पसंद आया ना? अरे बहुत अच्छा। ये खन्ना साहब, वो परवाना बिजली को घोड़े समेत लेके रफू चक्कर हो गया। क्या बकता है बे? मैं कहता हूँ घोड़े समेत लेके भाग गया। खन्ना साहब नहीं, नहीं, वो तो घोड़े को पानी पिलाने गया होगा। घोड़े को दाना खिलाने गया होगा। दाना? मेरी मूर्ति के गले में माला डाली, वो एक राजकुमारी को ही शोभा देती है। ये माला नहीं थी महाराज, मेरी सारी आशाओं की माला थी। ये रास्ता बहुत कठिन है संजुक्ता, इसमें तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो महल जिसमें तुमने लोरियां सुनी, झूला झूला, क्या तुम ये सब कुछ भूल सकती हो? मैं सब कुछ भूल जाऊंगी महाराज। संजुक्ता, आज तुम सर से पांव तक मेरी हो गई। वो दिन जो बीत चुके हैं, वो दिन जो बीत रहे हैं, वो दिन जो आने वाले हैं, वो सब मेरे हो चुके हैं। हाँ महाराज। महाराज हम हैं दीवाने, हमें सहरा का दामन चाहिए। लैला यहाँ इश्क फरमा रही है और बेचारा मजनू ठोकरें खाता फिर रहा। भाई ये सब कुछ तो तुम नाटक में करने वाले थे। खन्ना साहब, ये नाटक नहीं, हमारी जिंदगी की सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी?
तेलू, ये तो सचमुच पृथ्वीराज और संयुक्ता बन रहे। अजी खन्ना साहब, इन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। खन्ना साहब, आपको हमारा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। अच्छा जी, अब हमें कोई हक नहीं। बिजली, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। परवाने साहब को नाटक में नौकरी दिलाना, आधी आधी रात को रेसल करना और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पना, क्या खन्ना नहीं जानता? मैं ये तुम्हारी प्रेम कहानी इस तरह नहीं, जिस तरह मैं चाहूंगा उस तरह खत्म होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने खन्ना की नरमी को देखा है, उसके गुस्से को नहीं देखा। तुम मेरे सहारे के बगैर एक कदम आगे नहीं चल सकती। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी हुई। मैंने दुनिया में जो मांगा वो मुझे मिला, और जो नहीं मिला उसे जबरदस्ती छीन लिया। खन्ना साहब, आप जिंदगी के हाथ से शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं छीन सकते। बिजली, मैंने तुम्हें यतीम खाने की दोजख से निकाला, तुम्हें स्टेज की रानी बना दिया। तुम्हारे ओंठों को नगमे मैंने दिए हैं, लोगों की बेचैन हाथों की तालियां मेरी वजह से हैं। ये सब कुछ भूल गई? आपने मुझे स्टेज दी है, मैंने आपको शोहरत दी है। आपने मेरे होंठों को नगमे दिए लेकिन आवाज नहीं दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन इसके बदले में आप मेरा प्यार नहीं मांग सकती। आपने बहुत थोड़ा दिया है और बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। मैं अभी इसका फैसला करता हूं। देखो बिजली, ये लकीर है। इस तरफ शोहरत, दौलत, इज्जत और मेरी मोहब्बत, उस तरफ परवाना, गरीबी और दर दर की ठोकरें हैं। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत मंजूर है तो परवाने को इनकार कर दो, वरना इस लकीर को पार कर जाओ। मैं आपकी बेकरारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के खतूत मेरे पास आए हैं कि मिस बिजली और मिस्टर परवाने का नाच और गाना देखकर आप कुछ परेशान हो गए। खन्ना थिएटर में देर है, अंधेर नहीं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में एक अजीब चीज पेश करता हूं। हाँ, ठोकर
कहते रह गए, हम कहते रह गए ओ आई सी। कहते रह गए अब हम खन्ना की नौकरी से आजाद हो गए, अब तुम्हारी होने वाली पति हाँ थिएटर की मालिक हो गई है, मालिक। और जग्गू हाँ? तुम्हारा होने वाला पत्नी हो, आर्टिस्ट है। क्या कहा? आर्टिस्ट है। अरे फिर कहो। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट। बिजली, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। अगर हमारा आज का शो कामयाब हो गया तो हम जीवन साथी बनने के लिए पहला कदम उठाएंगे। काश खन्ना हमारी ये खुशी देख सकता। मेरा ख्याल है वो जरूर आएगा। अरे पगली, अब क्या आएगा वो? परवाना साहब, परवाना साहब, ओ परवाना साहब। मैनेजर साहब, बिल्कुल तैयार है हम। आज गाना परवाने के गले से नहीं, उसके दिल से निकलेगा। लेकिन परवाना साहब, आज शो नहीं हो सकता। अरे आप मजाक कर रहे हैं, आज तो वो शो होगा कि शहर की हिस्ट्री में ना हुआ हो। I'm sorry, परवाना साहब, आज शो नहीं हो सकता। क्या मतलब? ये थिएटर तो खरीद लिया गया है। थिएटर खरीद लिया गया है? हाँ। परवाना साहब, थिएटर हमने खरीद लिया। आपने? जी हाँ। लेकिन आज शो होगा कि नहीं? चलो घंटी बंद करवा दो, दूसरी घंटी ना बजने पाए आज शो नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? हमने शहर के अखबारों में इश्तहार दे रखे। बहुत अच्छा किया, उन्हीं अखबारों में आपकी बेइज्जती होगी। तुम थिएटर बंद नहीं कर सकती। अब तो थिएटर बंद हो गई। हजारों की तादाद में लोग हमारा शो देखने के लिए आए हैं। अबे तू क्यों फिक्र करता है, थिएटर हमारा, हम उन्हें जवाब देंगे। आप दौलत के बल पर आड़ को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप सिक्कों के झनकार में संगीत की आवाज को दबाना चाहते हैं। लोग मुझे पुकार रहे हैं, आप मेरे और उनके दरमियान दौलत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। खन्ना साहब, घंटी तो बंद करवा दी गई है, लेकिन बाहर लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं उनको जवाब दूंगा। तुम इन सबको बाहर निकाल दो। हम आपको नहीं चाहते हैं, परवाना साहब को चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप आर्टिस्ट की कदर करते हैं, मुझे क्यों पूछेंगे? परवाना एक आर्टिस्ट है और मैं एक अदना गुलाम। लेकिन इस बात का फक्र जरूर है कि परवाने को स्टेज पर लाने वाला, परवाने को परवाना बनाने वाला यही गुलाम है। संगीत एक सितार है और परवाना उसका तार है। अगर सितार का तार टूट जाए तो उसमें से संगीत नहीं निकल सकता। दोस्तों, परवाने को स्टेज पर लाकर मैं जितना खुश हुआ था, आज उतना ही मायूस हूं। शर्म के मारे मेरा सर झुका जा रहा है। क्या बात है? कामयाबी के नशे ने उसे गुमराह कर दिया। हजारों लोग आज बेकरारी से इसका इंतजार कर रहे हैं और वो है कि शराब के नशे में चूर पड़ा है, स्टेज पर नहीं आ सकता। हमारी टीम भाइयों, खन्ना ईमानदार है, इन्हीं टिकटों पर आपको दूसरा शो दिखा देगा। आधा वर्ष ये देखो,
रूप थिएटर का शो नहीं हो सका। परवाना शराब पीकर मस्त था। यह है दौलत का पहला इनाम। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा कभी शराब नहीं पी सकता। मैंने शराब नहीं पी, ये झूठ खन्ना साहब ने फैलाया है। आप मुझे अपने थिएटर में काम करने का मौका दीजिए। देखिए क्या ये झूठ लिखा है। आप आजाद के एडिटर हैं? ला मुझे तू। मैं परवाना बोल रहा हूं। देखिए जो खन्ना साहब ने मेरे खिलाफ लिखा वो बिल्कुल गलत है। क्या आप मेरा बयान भी छाप सकते हैं? हजूर, हमारे अखबार में खन्ना साहब के इश्तहार छपते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। आपका बयान मुश्किल है। तो एक आसान काम कीजिए। क्या? अखबार का नाम आजाद की बजाय गुलाम रख दीजिए। अखबार दौलत वालों ने खरीद रखे हैं, थिएटर पर भी दौलत वालों को कब्जा है। अब थिएटर की कोई जरूरत नहीं परवाना साहब। मैंने एक गोदाम का इंतजाम किया है, उसमें गेहूं की कुछ बोरियां पड़ी हैं, बस गोदाम साफ करा के वहीं शो करेंगे। कितनी अच्छी है तू, गोदाम में शो? ये कैसे हो सकता है भाई साहब, जब थिएटर बेवफा हो जाए इसे तो गोदाम अच्छा। आपने तो सुना होगा गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। मजा तो जब है कि खन्ना साहब का थिएटर फेल और अपना गोदाम वन हाउस। ये तो ठीक है, अगर हमारे गाने में जान होगी तो लोग थिएटर छोड़ गोदाम में भी सुनने आएंगे। लेकिन गोदाम भी खरीदा जा सकता है जग्गू? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई साहब। वो गोदाम वाला पुराने जमाने का सच्चा बुजुर्ग है, आजकल का जेंटलमैन नहीं। उसने मुझसे वायदा किया है। मैंने उसे वायदा किया है? लेकिन सेठ जी, मैं भी तो 10 हरे नोट दे रहा हूँ। ले लीजिए ना, गोदाम का ब्लैक मार्केट भी करेंगे तो इतनी कीमत नहीं आएगी। आप ये गोदाम जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा वायदा नहीं। भूदरमल जी, मट्टी का गोदाम है और सोने की कीमत दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, दौलत सब कुछ खरीद सकती है? इसमें क्या शक है? नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। ले भाई तेलू, ये गोदाम वाले भी सोशलिस्ट बन गए। अजी, इनका तो दिमाग फिर गया है। चलिए कोई दूसरा रास्ता करें। चलो, तो कर नहीं पड़े। अब हमें चाहिए कि स्टेज पे काम करने का ख्याल छोड़ दे। हाँ परवाना साहब। हाँ परवाना साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि अब स्टेज का ख्याल छोड़ दे। जग्गू, तू भी यही कहता है कि स्टेज का ख्याल छोड़ दूं? कोई चिराग से कहे कि जलना छोड़ दो, क्या वो छोड़ देगा? कोई नदी से कहे कि बहना छोड़ दो, क्या वो छोड़ देगी? मैंने स्टेज के लिए घर छोड़ा, माँ बाप से जुदा हुआ और अब वापस चला जाऊं। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कई लोगों का कर्जा देना है, अब तो रोटियों के वांदे हैं। क्या ख्वाब था और क्या ताबीर। घर से निकला था कि थिएटर की दुनिया में इनकलाब ला दूंगा, लेकिन ये ना जानता था कि दौलत मंजिल की राह में दीवार बनकर खड़ी होगी। जग्गू, हाँ कुछ भी हो, मैं स्टेज की दुनिया पर कामयाब होकर दिखा दूंगा और इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। हाँ? रानी लग गई क्या आपको? अब बिजली की आंखें खुलेंगी तेलू, परवाने की प्यार की कीमत अब उसे मालूम होगी। ओहो, यहाँ प्यार की बात हो रहा है। खन्ना साहब, आप जानता है प्यार क्या होता है? हम जानता है, लेकिन जिसे हम प्यार कहता है वो तुम नहीं जानता। हम क्यों नहीं जानता? हमने कई बार थिएटर में लव किसिंग किया है। एक मून होता है, एक रिवर का किनारा होता है,
टाइम प्यारा प्यारा होता है, मिस्टर मिस को प्रेजेंस देता है, प्यार की बात करता है। खन्ना साहब, आज हम आपको रिवर का किनारा दिखाएगा। मून और रिवर का किनारा, मिस को मिस्टर प्रेजेंट देता है। कुकु, ये लव हम नहीं जानता, हम तो सच्ची मोहब्बत जानता, ट्रू लव, समझी? मिस्टर टेलू। मिस्टर तेलू? अरे मिस्टर तेलू नहीं, मास्टर तेलू कहो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। खन्ना साहब, ट्रू लव किसको बोलता है? हैं? देखो, खन्ना साहब गया खड्डे में, पहले तुम खन्ना साहब के शागिर से बात करो। अच्छा, आप ये बताइए, ट्रू लव किसको बोलता है? हाँ? हम भी करके देखेगा। अल्लो, मेडकी को भी जुकाम हो गया। अच्छा लो बैठो, हम बताते हैं। तुमको मालूम है पंजाब में एक हीर हुआ है। हीर? औरत। ओह, यू मीन मिस हीर। हाँ हाँ, मिस हीर। सुनो, उसने रांझा के लिए अपनी इज्जत तक का ख्याल छोड़ दिया। बिचारी दिन रात रोती थी। ओह हाँ हाँ, अरे अपने माँ बाप की मार खाई। ओह गॉड। ओह गॉड क्या? उसके बाद रांझा के लिए उसने जहर खा लिया, पॉइजन। पॉइजन? ये ट्रू लव है? और क्या है? हम जाता है। अरे हम भी आता है। आई एम सॉरी मिस बिजली। मिस बिजली आ रहा हूँ। खन्ना साहब। ओ खन्ना साहब, सरकार। अरे वो बिजली आई है। बिजली आई है? अच्छा तुम यहीं ठहरो। उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप ही का घर है। मैं आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। आप मेरे अंदाजे के खिलाफ दो दिन बाद आईं। आपको तो उसी रात आ जाना था जिस रोज आपका खेल बड़ी धूमधाम से फेल हुआ। जख्मों पर नमक न छिड़किए खन्ना साहब। जख्म आपको, तीर चलाने वाले खुद जख्मी हो गए। खैर छोड़िए इन बातों को, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो ना कीजिए, मैं आपसे यही दरख्वास्त करने आई हूं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या सादगी है, इतनी बड़ी बात और किस अदा से खत्म कर दी। फरमाइए, बंदे ने क्या किया? आप नहीं जानते आपने क्या किया है। मेरे साथ चलिए, देखिए परवाना साहब का क्या हाल है। हमें से पूछती हो जानिसार कैसे हो, जो बेकरार हैं उन्हें फिर करार कैसे हो। परवाने साहब का हाल तो आप ही देखिए, आप उन्हें चाहती हैं, मैं उन्हें नहीं चाहता। वो इतने बड़े आर्टिस्ट होकर गरीबी और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुझसे ये उनकी हालत देखी नहीं जाती। आप उन पर नहीं, कम से कम मुझ पर रहम कीजिए, मैं उनके लिए भीख मांगती हूं। आंसू पहुंच लो बिजली, हुस्न की आंख रोने के लिए नहीं बल्कि रुलाने के लिए होती है। खन्ना अभी जिंदा है, तुम आंसू ना बहाओ। मैं तुम्हारे दिल का दर्द जानता हूं और उसकी दवा भी। अभी वक्त है कि दौलत परवाने के कदम चूम सकती है, शोहरत उसकी दासी बन सकती है, और परवाना जिस स्टेज पर काम करे उसके सामने कोई थिएटर कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, ये सब कुछ आपके हाथ में है, ये सब कुछ आप करेंगे। हाँ, इसका मतलब है आप बदल गए। इसका मतलब ये कि तुम बदल जाओ।
क्या कहना चाहते हैं? भोली ना बनो बिजली, परवाने की दौलत, उसकी शोहरत, उसका आराम, उसका चैन किसने छीना? खन्ना ने नहीं, बल्कि तुमने छीना है। तुम उसका साथ छोड़ दो, आज मैं सब कुछ उसके कदमों में रखने के लिए तैयार हूँ। उनका साथ छोड़ दूँ? ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता? उसकी कामयाबी भी चाहती हो, उसकी मोहब्बत भी चाहती हो? बिजली, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। नहीं नहीं, मैं अपनी खुशी नहीं चाहती, मैं उनकी खुशी चाहती हूँ। अगर मैंने उनका साथ छोड़ दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। दिल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। लेकिन उनका साथ छोड़कर जाऊंगी कहाँ? हमारे थिएटर में। मुझे मंजूर है, अगर मेरे जुदा होने से मैं कामयाबी और खुशी मिल सकती है तो मैं हंसते हंसते अपना प्यार लुटा दूंगी। जुदाई को जुदाई नहीं बल्कि प्यार का इनाम समझूं। लेकिन खन्ना साहब, वो मुझसे जुदा होने के लिए कैसे तैयार होंगे? ये बात मुझ पर छोड़ दो। मैं वायदा करता हूं कि परवाने को स्टेज का मशहूर सितारा बना दूंगा। तुम्हारे हाथ के लिखे हुए चंद अल्फाज परवाने को तुमसे बहुत दूर ले जा सकते हैं। चलो आओ, आइए तशरीफ रखिए। लिखिए। लिखिए परवाना साहब। परवाना साहब, मैंने आज तक आपका साथ दिया। मैंने आज तक आपका साथ दिया। लेकिन अब? लेकिन अब मैं गरीबी में आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं। ये झूठ है। वो कहेंगे कि मैंने उनके साथ बेवफाई की है, धोखा किया है। तुम उसे दूर नहीं रखना चाहती? लिखो, उसकी खुशी के लिए लिखो। लिखो कि मैं स्टेज की मशहूर सितारा थी, मैंने आपका साथ देकर अपना सब कुछ लुटा दिया। आप समझते होंगे कि मुझे आपसे प्यार था, लेकिन ये सब झूठ है। नहीं खन्ना साहब, ये मुझसे नहीं लिखा जाएगा। मैं नहीं लिख सकती, मैं नहीं लिख सकती। बिजली, जब तक 3 महीने का किराया अदा ना करेंगे मैं वापस ना जाऊंगा। आप अपनी चीजें बेच दीजिए और किराया अदा कर दीजिए। देखिए दादाजी, आप हमें क्यों नहीं बेच डालते? आपको कौन खरीदेगा? वो वक्त था जब आपके खरीदार थे, अब आपको कौन पूछता है? आप यहां से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप यहां हमारी बेइज्जती करने आए हैं। बेइज्जती उसकी वह करती है जिसकी कोई इज्जत हो। चुप रहिए, आपको किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? आपको उनकी इज्जत का बहुत ख्याल है। अगर आप एक बार मुस्कुरा के देख लें तो हम किराया ही माफ कर देंगे। मुझे मालूम नहीं था आप इतने गिरे हुए हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, चलिए यहां से। कल दोपहर तक रुकिया ना मिला तो पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी। अरे भाग, जो जी में आए कर लेना। बहुत अच्छा। हौसला रखिए, घबराइए नहीं। आर्टिस्टों की जिंदगी में ऐसे दिन आया ही करते हैं। दुनिया की बेहतरीन शायरी टूटे हुए दिलों से निकली, कौन जाने आगे क्या क्या होगा। हो सकता है आपके साथी आपका साथ छोड़ दें, हो सकता है मैं भी आपका साथ छोड़ दूं। नहीं बिल्ली, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं दुनिया से लड़ूंगा, जिंदगी से लड़ूंगा, तकदीर से लड़ूंगा, भगवान से लड़ूंगा। मैं एकदम स्टेज का सितारा बनकर दम लूंगा।
हाँ, आप एक दिन स्टेज का सितारा जरूर बनेंगे। चाहती हूं, लिखो उसकी खुशी के लिए लिखो। बिजली, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। जब तक 3 महीने का किराया अदा ना करेंगे मैं वापस ना जाऊंगा। आप अपनी चीजें बेच दीजिए और किराया अदा कर दीजिए। छोड़कर जा रही हो, मुझे छोड़कर न जाना बिजली। कैसी बातें कर रही हैं आप, जाइए सो जाइए, जाइए। Thank you.
चांद जरा मुस्कुरा के जा, जालिम जरा नजर से नजर तो मिला के जा। कोहिर कोहिर एक काम कहूं, करेगा? करेगा क्या? चाय मैं बनाती हूँ, तू जरा बिजली को बुला के ला। अच्छा। जालिम जरा नजर से नजर तो मिला के जा है कोयल। जगू क्या हुआ? जगू बिजली नहीं है। ओ वाक के लिए गई होगी, शहर के लिए। चिट्ठी चिट्ठी कोयल, जुल्म हो गया। अरे जग्गू क्या जुल्म हो गया? कुछ नहीं, यूं चिट्ठी पढ़ रहा था। कहाँ चाहिए? घर से चिट्ठी आई है, भतीजे की मंगनी हुई है, मुझे बुलाया है। मुबारक हो, मुबारक हो। लो चाय पियो। कोयल जरा बिजली को बुला। बिजली नहीं है। और ये चिट्ठी? चिट्ठी घर से आई है मेरे। हाँ घर से आई, लेकिन दिखा तो। अरे दिखा। जग्गू अब हम यहां नहीं रह सकते, चलो घर चले। आप लोगों के कितने रुपए हैं? मेरे तो दूध के 70 रुपए हैं। और तुम्हारे? साहब धुलाई के 17 रुपए लेने हैं। मेरे तो साहब 3 रुपए पान के हैं। और आपके? मेरे तो हार के सिर्फ 250 रुपए हैं दोस्त। तो चलो अंदर चलकर वसूल करें। जरूर। आप बाबू मुसीबत में हैं, जब हालत अच्छी होगी तो खुद दे देगा। अरे दे देगा क्या खाक, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, समझे? अरे भूखे नंगे हैं, चलो अंदर। कुल 3 रुपए तो हैं, मिल जाएंगे। वाह राजा हरिश्चंद्र, मिल जाएंगे। क्या बात है जग्गू? प्रधान साहब सब कर्जदार बाहर खड़े हैं। यहां रह भी नहीं सकते और यहां से जा भी नहीं सकते, क्या यही आर्टिस्ट की जिंदगी है? कर्जे वालों से मुंह छुपाकर क्या चोरी जाएंगे? नहीं जग्गू, सब सामान बेच दो, बिस्तर किताबें सूटकेस सब कुछ। ये सब बेच दें तो भी क्या होगा? लेकिन हमें इस कैद से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ की हवा से, यहाँ के लोगों से नफरत है। परवान साहब हाँ चलो इस खिड़की से निजरते रहे। आहिस्ता ऊपर जा, आहिस्ते आहिस्ते। अब कोई फायदा नहीं जग्गू, उन्होंने हमें देख लिया है। जाओ दरवाजा खोल। चलो कोयल। कहिए परवाना साहब, खैरियत? और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अगर आप चाहें तो ये सामान ले जाइए। अजी आप क्या कह रहे हैं, हम तो आपको थिएटर में शामिल होने की दावत देने आए हैं। क्या कहा हुजूर, आप ऐन वक्त पर आए हैं। जग्गू मैं थिएटर वेटर में काम नहीं करूंगा। नहीं करो? हुजूर हम 500 रुपया पेशगी देंगे, आप एक शो तो करके देखिए, दुनिया आपका गाना सुनने के लिए बेकरार है। लेकिन खन्ना साहब के होते हुए आप शो कैसे कर सकते हैं? खन्ना साहब? अजी वो तो हमारे करोड़ी मल का बच्चा है, करोड़ी मल अगर चाहे तो उसे घर थिएटर और गाड़ी के समेत खरीद ले। हाँ जरूर खरीद सकता है, जरूर, कैसे नहीं खरीदा, शेर जो हुआ। जग्गू कहिए क्या सोचा आपने? सोचने की बात ही कुछ नहीं। ए मालिक मकान के बच्चे इधर आ। क्या है? कितना किराया तेरा? 150 रुपया। तुमने बोला था कि पंखा दिलवा देगा, पंखा दिलवा दिया और कला के बकवास किया। यहाँ लो ये 100, ये 50, भाग। अच्छा फिर कभी मकान लेना। अच्छा फिर कभी मकान लेना। ए दूध वाले इधर, शर्म नहीं आती? दूध में पानी मिला के देखता देखता। अच्छा दूध लाया था? अच्छा दूध लाया था। कितने पैसे तेरे? 70 रुपए। 65 दूंगा, लेना ले जा, चल जा। पूरा पैसे देना? नहीं जा। अच्छा साहब इतना ही लाना? हाँ, अभी बोलता है 30, 50, ये 60 और ये ले 5। चलते चलते चलती जल्दी जल्दी। रामलाल दो भी ये दो। भाई माफ करना देर हो गई, कितने पैसे? 17 रुपए। ये ले 3 रुपए वापस कर मुझे। देख कुर्ते को जरा कड़प अच्छी तरह से लगा। बहुत अच्छा। पान वाला
जी उधर। कितने पैसे भाई? 3 रुपए हैं। ले, ये 3 रुपए। ये 5 रुपए एडवांस। हाँ बड़ी मेहरबान, बड़े अच्छे खिलाते हो तुम। जियो। इतने पैसे? नमस्ते जग्गू बाबू। तुम भी हो? 150 के 250 रुपए लेते हो? अभी बात सुनो, 150 लेना तो ले, नहीं तो चले जाओ। अजी साहब कोई इतनी बोल चलती है? नहीं नहीं, हमको मालूम है तुम लोग क्या क्या करते हो। हमको जग्गू हार बहुत अच्छा बना। हार बहुत अच्छा बना? ले हार बहुत अच्छा बना। मेहरबानी। कोयल 10 रुपए बच्चे बहुत है। आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप तशरीफ ले जाइए। ये कैसे हो सकता है परवान साहब? आपको एक बार जरूर गाना होगा। रुपया पेशगी लिए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं, कर्ज वाले दफा हो चुके हैं, एंड दिस इज द बैलेंस। जी आप बेफिक्र रहिए, परवाने साहब जरूर गाएंगे, जरूर गाएंगे। आप जाइए, कल 5:30 बजे मोटर भेजिए। ओके शुक्रिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं। जग्गू हाँ, इस टूटे हुए दिल से गाना क्या निकलेगा? सिर्फ उनके लिए दुआ निकल सकती है। मैंने कहा परवाना साहब अब शानदार थिएटर में काम कर रहा है, अब तो खुश होना सरकारे हुस्न। बर्बाद रहने दे, बस इतना रहम कर मुझ पर, उसे आबाद रहने दे। मेरे भगवान तू मुझको यूं ही बर्बाद रहने दे। गए नगमे मेरे गीतों की दुनिया लुट गई, शर्मा गए नगमे अगर तकदीर में फरियाद है, फरियाद रहने दे। अगर तकदीर में फरियाद है, फरियाद रहने दे। बस इतना रहम कर मुझ पर, उसे आबाद रहने दे। ये दुनिया भर की खुशियां बांट दे, दुनिया के लोगों में, दुनिया के लोगों में। मेरे उजड़े हुए दिल में किसी की याद रहने दे। मेरे उजड़े हुए दिल में किसी की याद रहने दे। बस इतना रहम कर मुझ पर, उसे आबाद रहने दे। मेरे भगवान, मेरे भगवान, भगवान बिजली, अगर तुम उससे मिलोगी वो और भी बेचैन हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर का इंतजाम करता हूं। आओ।
जाओ, सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चाहे कुछ हो जाए मैं जरूर जाऊंगी। मैं आपसे उनके लिए कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ उन्हें चाहती हूँ। मुझे उनके साथ ठोकर खाना भी पसंद है। मैं जाऊंगी तुम्हें। लबना मगर
बताओ क्या करें। साथी नहीं कोई मेरा और कोई राजदान नहीं, ऐसा लूटा है काफिला कदमों का भी निशान नहीं, कदमों का भी निशान नहीं। इतना ही याद है हमें, इतना ही याद है हमें, लुट गए बेकसूर हम, तुम ही बताओ क्या करें। मजबूर तुम मजबूर हम, तुम ही बताओ क्या करें। खन्ना साहब, मुझे आप पे तरस आता है। ऐसा इश्क भी क्या इश्क है जो धुनी रमा के बैठ गए। अजी गई तो गई, चली घर चले। इश्क वो शय है किसी कामिल से पूछा चाहिए, और किस तरह जाता है दिल बेदिल से पूछा चाहिए। हाँ भाई, तुम अपनी जुबान में ठीक कहते हो। चलो चले। खन्ना साहब, बिजली। खन्ना साहब वो चले गए। चले गए, चलो अच्छा हुआ। बेटा बेटा मेरे लाल, तेरी ये हालत क्या हुआ बेटा? मां, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया हूं। फर्क कितना है, जब गया था सीने में आग थी, अब दिल में जख्म है मेरे लाल। ए जी, मैंने कहा सुनते हो? क्या लिख रहे हो? प्रेम आया है, चलो मिलो उससे। प्रेम आया है? मैं नहीं मिलूंगा उससे। क्यों? इन गरीब बाप को दौलतमंद बेटे के सामने आते हुए शर्म आती। दौलतमंद? वो तो फटे कपड़ों में आया है। क्या कहा? फटे कपड़ों में आया है? फिर जरूर मिलूंगा उससे। आज पहली बार तुमसे मिलकर खुशी हुई है मेरे लाल, इसलिए नहीं कि तुम फटे कपड़ों में आए हो, बल्कि इसलिए कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ सिखाया है। चलो कपड़े बदल लो, इन्हें खद्दर का एक जोड़ा निकाल दो। अच्छे वक्त पर आए। बाप की मदद करोगे? जी। शाबाश, आज मैं तुम्हें स्टेज पर खड़ा करूंगा। स्टेज का नाम ले लीजिए पिताजी, अब मैं स्टेज पर पांव भी नहीं रखूंगा। क्यों, क्या हुआ बेटा? स्टेज की दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वहां आर्ट नहीं दौलत की जीत होती है, दौलत ही आर्टिस्ट बनाती है, दौलत ही आर्टिस्ट बिगाड़ देती है। मुझे स्टेज का सितारा बनाया दौलत ने, मुझे स्टेज से उतार फेंका दौलत ने। मुझे दौलत और स्टेज दोनों से नफरत है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, अब सिर्फ अपनी हार मानने आया हूं पिताजी। हाँ
हार मानने के बाद ही जीत शुरू होती है बेटा। तुम्हारी असली जिंदगी अब शुरू होगी। मैं बूढ़ा हो चुका, अब तुम मेरी आवाज बनोगे। यहां आओ बेटा, ये कलम अब मैं तुम्हें देता हूं। मैं इस कलम के काबिल नहीं पिताजी। जो कलम आपने मुझे पहले दिया था वो मैंने अपनी बेवकूफियों से तोड़ दिया। अच्छा किया बेटा, वो इसी काबिल था कि टूट जाए, लेकिन ये कलम तुम्हें लेना पड़ेगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं अब नहीं लिखूंगा। मैं स्टेज पर कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जिस स्टेज पर मैं तुम्हें खड़ा करना चाहता हूं, उस स्टेज पर इंसान कदम बाद में रखता है और कामयाब पहले हो जाता है। ये कौम की स्टेज है, देश की सेवा में नाकामी भी कामयाबी होती है, गरीबी भी बादशाही है। जानते हो इस स्टेज पर कौन कौन आ चुका है? अपने ख्याल की नजरों से देखो, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष, वीर जवाहरलाल। इस स्टेज ने हुकूमतें बदली हैं। जिस स्टेज पर खड़े होने वाले फकीरों के सामने बादशाहों ने सर झुका दिया हो, उस स्टेज से तुम्हें कोई नहीं उतार सकता। मेरे बेटे, करोड़ों गरीबों, बेकारों, यतीमों और बेवाओं की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। पिताजी, मुझे अपना कलम दीजिए, मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। लो साहब, ये रहा खाना, आज भी नहीं खाया। 3 दिन से भूख हड़ताल कर रखी है। मिन्नत खुशामत कुछ नहीं मानती। जब देखो रोने से काम, ना नाटक का ख्याल, ना आपकी इज्जत की परवाह। जब देखो परवाना साहब का जिक्र, परवाना साहब ऐसे थे, परवाना साहब वैसे थे। भाई मुझसे तो ये नाज उठाए नहीं जाते। बाज आ जाओ दिल के लगाने से। कहते हैं जिंदा रहे नर और बसाता रहे घर। हाँ, भूलने वाले ये दुनिया, तेरी याद रहे, हमने भी प्यार किया था, ये तुम्हें याद रहे। ऐ दिल उनको याद ना करना, लुट जाना पर याद ना करना। ऐ दिल उनको याद, दिल से ये आवाज आती है, या किसी की तड़पाती है, या किसी की तड़पाती है। दिल कहता है याद किए जा, मैं कहती हूँ याद ना करना, लुट जाना पर याद ना करना। ऐ दिल उनको याद, जहाँ रहे आबाद रहे वो, जहाँ रहे आबाद रहे वो,
रोती रहूं मैं शाद रहे वो, रोती रहूं मैं शाद रहे वो संसार बसाने वाले, मेरा घर आबाद ना करना, लुट जाना पर याद ना करना, ए दिल उनको याद ना करना। ए दिल उनको याद ना करना, तीन दिन से खाना नहीं खाया, ये क्या नखरे लगा रखे हैं? क्या दूसरी दुनिया में जाना चाहती? क्यों नहीं भाई, यूं ही जान देकर खन्ना साहब के हाथ में छुरी देकर उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती है। क्यों नहीं खाएगी खाना? कैसे नहीं खाएगी खाना? ला मुझे दो खाना। तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम अपनी जिंदगी से खेल रही हो बिजली। जिंदगी? ये भी कोई जिंदगी है? मेरी जिंदगी तो मुझे छोड़ के दूर जा चुकी है। खन्ना साहब, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, मुझे यतीम खाने से लाए, स्टेज की रानी बनाया, इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ दिया, एहसान और कर दीजिए खन्ना साहब, मेरा गला घोंट दीजिए, मेरा गला घोंट दीजिए खन्ना साहब, मेरा गला घोंट दीजिए। बिजली, उठो बिजली, हुस्न की आंखों में आंसू अच्छे नहीं मालूम होते। ये देखो परवाना था, स्टेज का मशहूर कवि, पहली बार कौम के स्टेज पर, विजयनगर, विजयनगर। देखा बेटा तेलू, खन्ना साहब आज तक किसी बाजी में नहीं हारे, लेकिन प्रेम की बाजी में हार गए। ये भी अपनी किस्मत में लिखा था कि बिजली का हाथ अपने हाथों रकीबों के हाथ में दे दूं। हाँ। चलो हमें भी विजयनगर चलना होगा। बिजली ठहरो, हम भी आते हैं। चल बे तेलू, तू कहां पर गया? जल्दी। अब क्या होगा? हम लोग कैसे जाएंगे? जाना तो जरूरी है। चलो अपनी वो पुरानी टमटम तैयार कर। चल साहब, आप यहाँ थर्ड क्लास में? सुना भाई तेलू। हाँ भाई, है दिन इनके। आइए आइए खन्ना साहब। अच्छा साहब, हाजिर होता हूँ। आइए आइए खन्ना साहब, आइए। ये देखिए खन्ना साहब, परवाना साहब अब कौमी स्टेज पे गाना गाएंगे। ठीक कहते हो भाई। मेरे ख्याल में आप उसे इस स्टेज पे उतारने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, अब उन्हें कौन स्टेज से उतारेगा? नहीं नहीं खन्ना साहब, जरूर उतारिए, जरूर उतारिए। अब कहाँ गई आपकी दौलत, कहाँ है आपके साथी? जरा लोगों को भी तो पता लगना चाहिए ना, खन्ना साहब भी कुछ हैं। जरा सरकार उन्हें इस स्टेज से उतारने की कोशिश तो कीजिए, लोग आपको उठा कर ले जाए तो बंदे को जगू न करना। इस इश्क की गली में
हरगिज कदम न रखना, लाखों बिगड़ चुके हैं दूल्हा नवाब बनकर। मगर कन्हा साहब यहाँ मामला उल्टा है। तुम ठीक कहते हो खुदा। दोस्तों, वतन को आजाद कराने के लिए जिन लाखों नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनकी याद में मैंने एक नज्म लिखी है। शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम। फांसी के तख्ते पर चढ़ कर लिया वतन का नाम, फांसी के तख्ते पर चढ़ कर लिया वतन का नाम, मरने वालों ने मर के दिया जीने का पैगाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम। तुमने किया आजाद वतन को खुद हो कर कैद, तुमने किया आजाद वतन को खुद हो कर कैद, नई जिंदगी कौम को दी खुद पिया मौत का जाम, मौत का जाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम। एक तरफ दुनिया की ताकत, एक तरफ कौमी दीवानी, एक तरफ दुनिया की ताकत, एक तरफ कौमी दीवाने, खाई लाठियां खाई गोलियां पर ना किया सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम। कट तो गई पर झुकी न गर्दन, ये थी शान तुम्हारी, कट तो गई पर झुकी न गर्दन, ये थी शान तुम्हारी, हाथ कटे पर गिरा न झंडा दिल वालों के काम, हाथ कटे पर गिरा न झंडा दिल वालों के काम, दिल वालों के काम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम। जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा, जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा, लोगों के दिल चीर के देखो लिखा तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम,
तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम शहीदो, तुमको 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 मेरा सलाम। परवाना साहब, पहले मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती थी, अब आपकी इज्जत भी करती हूं। मेरी नजरों में आप बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे। मैंने कहा सरकारी वाला, ये किसी की मोहब्बत को ठुकरा कर कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? खन्ना साहब आप बहक रहे हैं, मोहब्बत और इस बेवफा की। अगर ये बेवफा है तो दुनिया में कहीं वफा नहीं। इसने तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम्हारा साथ छोड़ा, अपने दिल के खुद टुकड़े कर लिए, तुम्हें दोबारा स्टेज पर लाई, अरमानों भरे दिल के साथ तुम्हारा शो देखने आई और तुम चले गए। ये तुम्हारी जुदाई में बीमार पड़ी, तड़पती रही। खन्ना साहब, अरे पगले, इसने मुझ जैसे पत्थर दिल को रुला दिया और आज तू इसे ठुकरा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? बिजली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा था। आज से मैं भी आपके साथ देश की स्टेज पर गाया करूंगी। खुश रहो बेटी, तुम्हारा सुहाग हमेशा कायम रहे। मैंने कहा बिजली अब तो खुश हो ना। अच्छा परवाने साहब, आदावर। आदावर खन्ना साहब। पंडित जी, मेरा ख्याल है कि मैं अपने थिएटर को देश सेवा में लगा दूं। बहुत नेक ख्याल। नमस्ते। खन्ना साहब, सलाम सलाम। देखो हमने मोहब्बत की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दी? अब हम जा रहे हैं। क्यों, कहाँ जा रहे? हॉलीवुड। हॉलीवुड? हाँ, तुझे नहीं मालूम? नहीं। अरे भाई, आजकल थिएटर वाले सिनेमा वाले सब वहीं जाते हैं। मगर क्यों? वहाँ फुलझड़ियाँ मिलती हैं। फुलझड़ियाँ? तो खन्ना साहब मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं जग्गू। नहीं, तू मत जा, ले इसे पकड़, हमारी निशानी। हाँ, मगर ये चमचा आपका। नींबू निचोड़। हाँ, कहा सुना माफ। ओफ, सुना माफ। भगवान तुम्हारा भला करेगा, यही काम किया करना। नमस्ते चाची जी। चाचा जी, अब हमें भी तो आशीर्वाद दे दो ना। क्यों, कोयल है? खन्ना साहब, खन्ना साहब, खन्ना